नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट लगातार कोशिश करता रहा है कि शहर के अलावा गांव कस्बे की खबर भी आप तक पहुंचाए और किसान खेती मजदूर की खबर से भी आप रूबरू हों। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है और सरकार ने बुआई और निकौनी से जुड़े हुए नए संयंत्रों पर 75% अनुदान देने का फैसला लिया है। कृषि विभाग ने इसको लेकर 5 नए यंत्रों को अनुदान प्राप्ति कृषि यंत्रों की सूची में शामिल किया है और इन यंत्रों की खरीदारी पर आपको 75% तक सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। तो किसानों के लिए बहुत बड़ा मौका है, आप इन यंत्रों की खरीद कर सकते हैं और 75% जो सब्सिडी है उसका लाभ उठा सकते हैं। जिन यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी उनमें सीड ड्रिल पर अनुदान की राशि 5% अधिक यानी 80% होगी, जबकि शेष 4 उपकरणों पर किसानों को 75% सब्सिडी मिलेगा। इस अनुदान की प्रक्रिया की खास बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों इन यंत्रों को अगर खरीदेंगे तो उनकी अनुदान की राशि में 5% का इजाफा हो जाएगा, यानी जो 75% अनुदान राशि है वो 80% हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बड़ा अवसर है। अनुदान की बात करें तो सीड ड्रिल पर किसानों को 25,000 का अधिकतम अनुदान मिलेगा, यानी जिन यंत्रों पर 75% तक अनुदान है उन पर 80,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता है और SMS पर अधिकतम 82,000 यानी 8 फीट के सुपर सीडर पर 1,57,000, 7 फीट के इस यंत्र पर 1.5 लाख और 6 फीट के इस यंत्र पर किसानों को 1,42,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। दरअसल कृषि विभाग ने यंत्रीकरण के प्रक्रिया पर इस बार से जोर देना शुरू किया है और लंबे अंतराल के बाद अनुदान की सूची में 5 नए यंत्रों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे विभाग का उद्देश्य किसानों की खेती को आसान करना है, किसान की खेती को आधुनिकीकरण करना है और बुआई और निकौनी की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि कृषि को लेकर किसान उत्साहित हों। आपको पता है कि अपने देश में 70% लोग भूमिहीन हैं, 30% लोगों के पास पूरी ज़मीन है और वो कृषि को इंटरप्राइजिंग बिजनेस बनाने को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। तो कृषि को अगर इंटरप्राइजिंग बिजनेस बनाना है तो उसको लाभकारी बनाना पड़ेगा, उसको विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, तकनीक से जोड़ना पड़ेगा, तभी लाभ बढ़ेगा। कृषि उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो सरकार ने पहला कदम उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि के क्षेत्र में जो यंत्र इस्तेमाल किए जाएंगे जिनमें से 5 यंत्र पर अभी फैसला किया गया है कि 75% से 80% अनुदान का लाभ किसान ले सकते हैं। तो किसानों के लिए बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम कब तक रहेगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो शुरुआत है, शुरुआत में जो आगे आएगा वो ज़्यादा लाभ पाएगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस खबर को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके बहुत दोस्त होंगे जो किसान होंगे, खेती करते होंगे या खेती के कारोबार से जुड़े होंगे, तो उन तक ये खबर पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, ये आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।